रो क्यों रही है? मैंने कहा भूख लगी है, मुझे भी दाल रोटी और जिसके यहाँ पे बनी हुई दाल पाला। ओरियो जंप। हेलो फ्रेंड्स, तो ये आया है वेज खाना, सलीम ने ऑर्डर किया तो मैं खाने के लिए, मुझे भूख लगी थी और मैं सुबह उठी, बच्चों के नाश्ते वाश्ते में लगी, छोड़ने गई, फिर लेने के लिए गई, उसमें मेरा दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा मेरी तकलीफ़ बढ़ गई थी। और ऊपर से जब तबीयत ठीक होती है ना तो भूख भी लगती है, तो मेरा वैसा मतलब मुझे फीवर तो है नहीं, तो मुझे भूख लग रही थी पर मैं दर्द की वजह से बना नहीं पाई थी। और डॉक्टर ने मुझे कंप्लीट रेस्ट के लिए बोला है, और वो नहीं भी बोले ना तो भी वही हो रहा है कि मैंने रेस्ट नहीं किया, सुबह मैं अपने काम में लग गई थोड़ा थोड़ा और मेरा दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो सलीम का फ़ोन आया तो सलीम ने मुझे बोला कि रो क्यों रही है? मैंने कहा भूख लगी है, मुझे भी दाल रोटी और जिसके यहाँ पे बनी हुई दाल पाला। मैंने कहा मुझे भी दाल रोटी खाने का मन कर रहा है, घर का खाना। तो फिर उसने बोला, कह रहा है कि ठीक है, उसने कहा रो मत, मैं अभी ऑर्डर कर देता हूँ। बेचारे ने ऑर्डर कर दिया था 2 घंटे पहले मेरे लिए खाना, अब जाके आया है और डिलीवरी बॉय तो पागल ही हो गया था, नया था क्या, इतना दिमाग ख़राब किया ना उसने। खैर कोई नहीं, सलीम कह रहा है मैं कंप्लेन कर देता हूँ इसकी। मैंने कहा छोड़ यार, पर सलीम भी हंस दिया, कह रहा है कि हाँ ठीक है रहने देते हैं भाजी, कोई नहीं, नहीं करना चाहिए और क्या, उसकी रोज़ी का सवाल है, बस ये कि उसको बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, एड्रेस के पीछे जिद पकड़े हुए था। चलो कोई नहीं, तो ये रहा खाना, ये मिक्स वेज भेजी है सलीम ने और मैं दाल रोटी मांग रही थी, दाल रोटी भेजी है और ये तवा रोटी भेजी है उसने, क्योंकि मैंने कहा कि बाहर की रोटी अच्छी नहीं लगती है, तो मैं रो रही थी खाने के लिए, मुझे भूख लगी थी। और बगल में जो हमारी अर्शी लोग हैं तो वो बुशरा भी सुबह आई तो मैं रो रही थी, तो उसने मुझे ब्रेड जैम करके दिया तो मैंने खाया था, बहुत तेज़ मुझे भूख लगी थी और मैं उठ ही नहीं पा रही थी, मतलब मैं बैठ भी नहीं पा रही थी उस टाइम तक, तो क्योंकि सुबह की मेडिसिन का टाइम हुआ नहीं था उस टाइम, तो बस फिर उसने आके मुझे ब्रेड जैम दिया, फिर उसके बाद दवाई खाई और दवाई खा के भी मैं 2 घंटे से शायद आराम कर रही थी, तब मुझे थोड़ा सा आराम मिला है कि मैं बैठ पा रही हूँ, लेकिन अभी भी ज़्यादा बैठ नहीं सकती, बस खाना खाऊंगी फिर मुझे लेटना है। तो चलिए फ्रेंड्स खाना खा लेते हैं, लव यू सलीम। हेलो फ्रेंड्स, तो रात हो गई है फ्रेंड्स और बच्चे सो गए हैं, और आज है, आज मेरी तबीयत को हो गए हैं 4th दिन हो गया है दर्द से, मैं परेशान हूँ। कल शाम तक थोड़ा ठीक लग रहा था क्योंकि कल मैंने पूरा फुल रेस्ट किया था दोपहर के बाद से, जब से डॉक्टर को दिखा के आई थी, पर अभी अभी नहीं हो रहा है। और आज दिन भर मैं बहुत दर्द में रही हूँ क्योंकि सुबह मेरी जो उठी कि मैंने काम पकड़ लिया था अपना कि बच्चों को छोड़ने जाना है करना है वो सब, तो सुबह से ही मेरा दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और दिन में रेस्ट करने के बावजूद वो उतना कवर नहीं हो पा रहा था। अभी दवाई ली है मैंने, अब आराम करती हूँ। तो फ्रेंड्स आई एम सॉरी कि अभी व्लॉगिंग ऐसी जा रही है, मैं क्या ही करूँ क्योंकि मेरी तबीयत वाकई में बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, मतलब मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मुझे अभी फ़िलहाल भी। मैं इतनी देर से वेट कर रही हूँ कि थोड़ा सा कंट्रोल हो तो फिर मैं आप लोगों से कुछ बात करूं, ब्लॉग एंड करूं, लेकिन नहीं हो रहा है और मेरे दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है फिर से। और बच्चे भी सो गए हैं, आज तो लाइट वाइट सब ऐसे ही ऑन करके सोना पड़ेगा, और खाना भी नहीं खाया है मैंने, खाना तो मैंने कल भी रात को नहीं खाया था, आज दिन में खाया था खाना, सलीम ने भेजा था जब मुझे खाना, तो मैंने दिन में खा लिया था, लेकिन अभी वही रात में मैं घर पर बात करती रही फ़ोन पर तो बस लेट हो गया, फैज़ लेट गया, मेरे से उठ के हो ही नहीं पा रहा है कि मैं खुद से कुछ करूं कि दर्द और ना बढ़ जाए, तो मैं नहीं खा रही हूं, दवाई खा ली है मैंने। तो देखिए फ्रेंड्स, अल्लाह करे सुबह तक मुझे आराम मिले कुछ तो। और आज घर पे भी मतलब काफ़ी बातें हुई सलीम के यहाँ से, मम्मा के यहाँ से आने की, कि कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है, सरवरी के आने की, मम्मा के आने की, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बहुत सारी बातें हुई हैं। और बड़ी भाभी का भी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है मेरी, नहीं तो वो तो सिकंदर भैया तो अभी तक सब इंतज़ाम कर ही देते हैं। बड़ी भाभी के मायके में एक मिट्टी हो गई उनके बहनों की, बेचारी वो भी उसमें दुखी हैं। तो बस यही सब शाम से चलती रही हैं बातें कि करना क्या है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसकी वजह से मैं बात करते करते रही हूँ, तो खाना का भी टाइम चला गया, अब मन नहीं हो रहा, बच्चे भी सो गए, कोई तैयारी नहीं है, बड़ी मुश्किल से मैंने उठ के दवाई अपनी खाई है, अम्मू तो बेचारा लेटा रहा, थोड़ी सी दवाई खिला पाया और फिर
सो गया मेरे पास में ही, और बाकी तो अब मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ, इंशाल्लाह मिलते हैं, बाय। जय हिंद, जय भारत।